तुमने की है। लाइटें जल चुकी हैं, अगरबत्तियां जल चुकी हैं, गणपति जी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं आरती करने के लिए, सब रेडी हैं, सब रेडी हैं, सब रेडी। शर्ट पहनी है, मेरी शर्ट के बारे में बताओ। मैं तो वही पहन के आया हूँ जो पानी में भीगा था, तो मेरे बारे में कुछ मत बताओ, मैं तो हूँ स्पेशल। सब लोग रेडी हो गए हैं, गणपति जी रेडी हैं। गणपति जी गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है आपको, कैसी आई रात को नींद, बताइए बताइए। डालो जी खीर, आप रेडी हो? आपके मूछें बन गई हैं, आपने दूध पिया था क्या? ऐसे थोड़ी पीते हैं, दिखाओ। अब ठीक है, अब ठीक लग रहे हो आप। आप सबसे पहले नहा लिए ना? आपकी नई ड्रेस है या पुरानी ड्रेस है? पुरानी है। अरे आप भी गए, पापा की सिर्फ नहीं है, पापा ने नई बुशर्ट पाई है। ओहो बुशर्ट, बुशर्ट रोज रोज बुशर्ट पाता, क्या मतलब? क्या मतलब है? तो अब मैं क्या? हीर आप कर क्या रहे हो ये बताओ। फुल सजा रही हूं। वेरी गुड, अच्छे से सजाना। मैं बस वाइट, ये वाइट ही तो मैं सारे करो। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह वाह, ये सारी गायब कर दी आपने तो। इनका ना एस्थेटिक सही होना जरूरी है ना। ठीक है, मैं तो लेगिंग्स भी पर्पल। वाह, सजा लो, सजाने के बाद मेरे को बताना, मैं पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपको पता भी नहीं चल सकता कि ये लेगिंग क्या क्या फूल है। सब पता लगता है, चल बना। दिख रहा है कि ये? हाँ दिख रहा है ये। ओ शिट, हमारे को दिख ही नहीं रहा, ये उठा लिया हमने तुम्हारी लेगिंग्स। ओ काम का फूल। ये हमारी हीर ने सजा दिया है, और हीर को आरती भी याद है। हीर इधर आओ, चलो आरती सुनाओ हमारे को, कल रात को सुना रहे थे ना। हाँ, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती के तपार देवा, एक दंत जय पंत राजूत राजी, एक जंत जय पंत राजूतारी, दात भागे करके लक्ष्मण वध के सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा, मन मन भोग लगे संत करे सेवा। देखो इसने ट्यून पूरी पकड़ ली है, वर्ड में ऊपर नीचे हो सकता है, पर हमारे वाली ये फेवरेट है, हमारे वाली ये फेवरेट है। जयावंत बिल्कुल तुम पे गई है यार, तुम भी वर्ड्स होते हैं ना, गानों कैसे ही नहीं गाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये बेबी, बहुत अच्छा गाया आपने। चलो गणपति बप्पा बाय बाय, हम आएंगे जल्दी से। हीरो हम जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाएंगे। देखो फिर ऐसे इधर फेस करके तो बोलो, ठीक है जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, अभी फ्राइडे था ना, सैटरडे आ जाऊंगा मैं। आप तो ऐसे, मैं अभी जाऊं और अभी वापस आ जाऊंगा ना। ठीक है, मैं अपने काम खत्म करके फिनिश करके फिर आता हूं। ठीक है, अभी ठीक है, बाय 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 गणपति जी बाय। सीट अब बढ़िया हो गई है, देखो गीली भी नहीं हुई है, इस पे थोड़ा सा पानी आया है और ये गायब। अब हमारी पेंट वेंट गीली नहीं होगी, अब चलें घर पर। मतलब एक तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारे ही घर हैं सब जगह पर, इतना मोहब्बत है हमारे पास कि हमारे को अच्छा लगता है। वाह मेरे दोस्त, चलो वाशी में आकर इतना खुलापन देख के ना, जब वापस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार सड़कें कितनी कम हैं और ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, पर यहाँ पर आके ऐसे राइड करने का भी मज़ा आता है। और मोस्टली पता क्या होता है, जो मुंबई से हैं उनको तो पता ही होगा, और जो मुंबई से बाहर हैं उनको अगर नवी मुंबई तक आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद आप पहाड़ों के इतने करीब होते हो ना, इतने करीब होते हो कि क्या ही बताएं आपको। मतलब आपने मेजर ट्रैफिक क्रॉस कर लिया होता है, उसके बाद सिर्फ आपको एक घंटा डेढ़ घंटा या दो घंटे में आप ऐसे ऐसी जगह पर पहुंच सकते हो जहां पर क्या ही कहना, और उसी चीज़ का आनंद आता है। अभी तो गणपति चल रहा है, गणपति के बाद कहीं ना कहीं जाते हैं, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो जहां पर हमारे को जाना चाहिए तो वहां पर हम जा सकते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि हमारे को पता लगे, और कैसे जा सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा ताकि हमारे को रिसर्च ना करना पड़े और हम जल्दी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकें कि तब तक हम ये सिग्नल क्रॉस करते हैं। जब भी ऐसे सिग्नल पर रुकना पड़ रहा है ना, तो इतनी गर्मी लग रही है, मतलब कल जिस तरीके से बारिश हो रही थी मुंबई में ताबड़तोड़, अभी भी ऐसा लग रहा है कि रेन जैकेट होना चाहिए था। मतलब जिस दिन आए हैं तब से लेकर अब तक सिर्फ बारिश हो रही है, और अभी भी इसीलिए निकल गए क्योंकि मौसम थोड़ा सा खुला है, पर खुला क्या है, या तो गर्मी हो रही है या डायरेक्ट बारिश। यही गर्मी सिग्नल पर रुक के ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, चलते चलते में तो ठीक है ना, मौसम ठंडा है, और मेरे को लग रहा है कि हमारी बाजू जो है वो टैन हो जाएंगी क्योंकि
प्रमोद जी के पास, हीर के पास आने में हमारे को मुंबई से मुंबई में ही एक घंटा लग जाता है। मतलब लास्ट हम मिले थे शादी पर, डायरेक्ट दिल्ली में मिले थे और उसके बाद अब आए हैं हम। मुंबई में रहकर भी नहीं मिलना होता, फोन पर बात रोज हो जाती है, इसीलिए अब हीर को भी वादा करके आए हैं कि आ जाएंगे गणपति विसर्जन से पहले, आना ही पड़ेगा जी, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता, सीख यही है। तो आज तो घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के क्योंकि इतना खा लिया है उसको भी तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। टारगेट कुछ हो रहा है हमारा 31 दिसंबर को कपड़े उतारना, वही है जी सीन, तो टारगेट नहीं भूल सकते। और बहुत ही सही चल रहे हैं अभी, फोकस चल रहे हैं। ये 2-3 दिन हमारे चीट डे थे क्योंकि गणपति जी आए हैं, गणपति जी को नाराज नहीं कर सकते, या हम खुद को बोलें कि थोड़े से चटकोरे हो जाते हैं बीच बीच में, पर यही है एक लाइफस्टाइल तो मैनेज करना ही पड़ेगा जी, और वो कर रहे हैं। मौसम तो मस्त सुहाना है जी, बादल देखो सामने क्या ऐसे 3D बादल हो रहे हैं, आजकल तो 3D नहीं, आजकल तो 5D बादल बोल सकते हैं क्योंकि आपको फील भी करवा देते हैं फट से। तो ये हमारी फेवरेट जगह होती थी जब हम ट्रेन में ऐसे वाशी टू अंधेरी जाते थे ऑडिशन देने के लिए, तो हमारे को ये ऐसा इतना खुलापन देख के ना आनंद आ जाता था। इस टाइम पे हम जानबूझ के ट्रेन के गेट पर खड़े होते थे क्योंकि एक तो हवा बहुत प्यारी आती थी, समंदर देखना भी बड़ा मजेदार हो जाता था। भाई अजय जिंदगी रंग बदलती रहती है, उधर से सिर्फ इधर आने में कई साल लग गए हैं हमारे को, पर बदला जरूर है वक्त, क्योंकि वहां पर देख के ये वाले सपने देखते थे कि यहाँ से कब गुजरेंगे। सपने देखते रहना चाहिए जी, वक्त लगता है पूरे होने में, पर पूरे होते ज़रूर हैं अगर आपके सपनों में शिद्दत है, आपके सपनों में बिलीव है कि आप वो कर सकते हैं। अभी हमारा अगला बिलीव नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वो जब पूरा होएगा तब आपको फिर बताएंगे, पर हम सपने देखना छोड़ते नहीं है जी, इसलिए देखते रहने का, मुफ्त है जी सपने, सपने देखना मुफ्त है। जिस चीज का डर था वही चीज हो गई है, बारिश शुरू। अरे ये नहीं होना चाहिए था यार, हमने बोला था, थोड़ा सा टेंशन वाली चीज है, कोई नहीं, मेरे को लग रहा है सिर्फ मूविंग बादल है, अगर थोड़ी हुई तो हम बच के पहुंच जाएंगे, नहीं तो यही कपड़े वापस से जाके सुखाने पड़ेंगे। जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन भी यही कपड़े पहन के आए थे और पूरे गीले हो गए थे और जाके सुखाए, अब सूखे और वापस पहने तो फिर से ये हालत ना हो जाए, एक बार घर पहुंच जाए फिर अच्छा हो जाएगा। रुक भी रही है और चल भी रही है, यही है जी सीन। होम स्वीट होम हमारा इंडिया। इंडिया में कितने सारे कल्चर है, मतलब अभी हम जब गणपति वहां पर मना रहे थे तो हमारे को ऐसा लग रहा था कि क्या अच्छा लग रहा है, और आज जब हम गणपति जी की पूजा हो रही थी तो शायद जैन समाज का भी कुछ ना कुछ त्यौहार था जो आज कुछ तो जा रहा था वहां पर, उस त्यौहार का पता नहीं है, जो भी जैन हो वो हमारे को बता सकते हैं कि क्या त्यौहार था, क्योंकि मैंने हर बार देखा है कुछ ना कुछ ये होता है, ऐसे लोग जा रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बांटते हुए जा रहे होते हैं, तो वो मेरे को एक तो पता नहीं। पर अभी मैंने हीर को फोन करके बोला कि मैं पहुंच गया हूं, पर वो कह रही कि मोदक खत्म हो जाएंगे जब तक आप वापस आओगे, तो ये एक तो सीन गड़बड़ है। मैंने बोला कि फ्रेश बना के खिला, नहीं नहीं खत्म हो जाएंगे, उसकी कहानियां अलग होती हैं, और खुद कुछ ना कुछ गेम खेल रही होगी, हमारे को फोन रखो मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। मतलब मैडम के नखरे जो हैं वो हमारे से झेले नहीं जाते, आने वाले टाइम पता नहीं उसके बॉयफ्रेंड कैसे झेलेगा हम नहीं जानते, पर जो भी है ठीक है घर पहुंच गए। अब घर पहुंच के जो आलतू फालतू खाया उसके लिए हमारे को जिम भी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है पहले, फिर एक्सरसाइज करने जाएंगे। क्या क्या करना है, क्या क्या प्लान है, अभी दोस्तों के घर में भी गणपति आए हुए हैं, उधर भी जाना है, आज नहीं जाएंगे तो कल चले जाएंगे, पर कुछ ना कुछ प्लान चलेगा। अभी घर पहुंचे थोड़ा सुकून लेते हैं, और बाकी साकिब के लिए भी ज्योति ने ऐसे प्रसाद भेजा है, वो जब आएगा शूट पर गया हुआ जब आएगा तो उसको भी खिला देंगे, यही सीन है अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर। हमारे इस घर में एक नौजवान और रहता है, कैसा रहा तेरा शूट? भाई बहुत बढ़िया था, हेक्टिक भी था, थोड़ा थक गए हैं पर मजा आया। ओके, तेरे लिए हम गणपति जी का कुछ लेके आए हैं, जो वाशी से जो आया कर रहा हूं मैं उसका। मेनू चाहिदा 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 देने देने, थोड़ा अंधेरे से लो, है चाहिदा हो चाहे ये उधर ले चलो। ओ ये ज्योति ने बनाया ना, ज्योति देखो, अब अगर हमने अकेला ज्योति का नाम लिया तो बहुत नाइस। ज्योति एंड हीर, मैंने देखा ब्लॉग में, मैंने देखा ये लाल वाला बढ़िया लग रहा है, ये छोटे वाले हीर के तो मैं नहीं कहूंगा। वाह, हीर आई लव यू टू, हीर आई लव यू टू। क्या है कि इसको मैंने बोला मैं ज्यादा लेके आता हूँ, कह रहे नहीं 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 क्योंकि हम दोनों चल रहे डाइट पर और डाइट पर गड़बड़ हो सकती है। पर सब्जियां लोड किए तेरे भाई ने आज? मैं भी प्याज लेता हुआ आया, अभी नीचे गया था प्याज लेके आया, देखो मेहनत का प्याज है ये, वेरी नाइस। ये देखो इस क्या प्रसाद के साथ, हाँ। जी हम पे थोड़ा सा कृपा भी करें, लाइफ आसान करें, लाइफ बढ़िया कर दें, और हमें बहुत सारी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी दे, हाँ। हमें सबर दे, हाँ। और हमें हिम्मत दे, हाँ। कि हम जो भी सिचुएशन में आप लेके जाएं उससे हम गुजर सकें, तो वो भी सक्सेसफुली, वो भी अच्छे हंसते मुस्कुराते और लोगों को मोटिवेट करते। बिल्कुल, क्या बातें बोल रहे हैं गणपति पप्पा।
मोरिया। ठीक है जी, तो इसी बात पे ये ब्लॉग का यही एंड करते हैं। तुसी आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, रब रखा। इससे पहले कि ये सब खा जाए थोड़ा सा।